Why do the bells of Christmas ring? Why do the children sing? A shining star, often a pretty house. Her mother sing and smile. This is the Christ, the holy child. Therefore, the bells of Christmas ring. Therefore, the little children sing. In this joy of Christmas, I would like to welcome you all to Saint Joseph's family. The best way to celebrate Christmas is by giving gifts, gifts of love and thankfulness. Hence, I request our very special guest, Santa Claus, to come on the stage and make us all feel joy. प्रिया की मम्मी आंखों में आंसू लिए उसे विदा करती है।
अच्छा बेटा जा, लेकिन अपना ख्याल रखना, मुंह पे से मास्क मत डालना, बार बार हाथ धोना, इधर उधर का खाना मत खाना, और हाँ किसी से भी हाथ मत मिलाना। अरे मम्मी मैं एक डॉक्टर हूँ, जहाँ तक कि मुझे ये सब कुछ आपको बताना चाहिए, यहाँ तो आप ही मुझे लेक्चर देने लगी। अच्छा बाय, मैं जा रही हूँ। प्रिया हॉस्पिटल की ही निकल गई और सीधा अपने बॉस के केबिन में गई। मैं आई, कम इन सर। प्रिया, जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने भी बाकी डॉक्टर्स की तरह अपने परिवार से ज्यादा महत्व अपने देश को दिया। थैंक्स सर। बस इतना कह के प्रिया अपने काम में लग गई। उसने अपना भूख प्यास सब त्याग दिया था सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, प्लीज मुझे इंजेक्शन मत दो, प्लीज प्लीज। अरे बेटा मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं दे रही हूँ, प्लीज डोंट क्राई। प्रिया मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब सी है, मेरी मानो तुम मन की शांति के लिए एक बार अपना कोरोना टेस्ट करवा लो। दूसरे दिन प्रिया का टेस्ट रिजल्ट लेके बॉस खुद उसके पास गए। प्रिया सॉरी टू से बट अनफॉर्चुनेटली यू आर कोरोना पॉजिटिव। इतना सब सुन के प्रिया थोड़ी भी दुखी नहीं थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लेके बोली, सर जाने दो ना, एक ना एक दिन तो हम सबको जाना है, बस फर्क इतना है कि मैं अपना फर्ज निभाते निभाते जाऊंगी। प्रिया ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ हमारा पूरा हॉस्पिटल है, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तभी एक खबर आती है कि हॉस्पिटल में एक बहुत गंभीर मरीज आया है। यस ओके विल बी राइट देयर। सर मैं अपने बारे में तो नहीं जानती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि मैं उस मरीज की जान जरूर बचा लूंगी। नहीं प्रिया, पहले हम तुम्हारा इलाज करेंगे, फिर उस मरीज को देखेंगे, और तुम अपनी मम्मी को बुला लो, वो होंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं सर, मेरे से ज्यादा उस मरीज की हालत खराब है। सर प्लीज पहले हम उसकी इलाज करेंगे, प्लीज सर। प्रिया के जिद के सामने बॉस को हारना पड़ा और वो दोनों मरीज के इलाज के लिए ICU में चले गए। प्रिया की माँ भी पहुंच चुकी थी, तभी बॉस ICU से बाहर आते हैं। सर कहाँ है प्रिया, क्या हुआ उसे, सर बोलो ना कहाँ है मेरी प्रिया। मरीज तो ठीक है लेकिन प्रिया ने अपना दम तोड़ दिया। कहाँ है मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ है, बोलो ना मेरी बेटी कहाँ है। बेटा उठ ना, मैं तुझे हॉस्पिटल जाने दूंगी, बेटा उठ ना, एक बार तो अपनी माँ के पास देखना। आंटी संभालिए अपने आप को। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी अपना फर्ज निभाते निभाते इस देश की सेवा करते करते हम सबसे दूर चली गई। वर्तमान में बेटा जैसे भगवान ने अपने जीवन का त्याग करके हमें प्यार करना सिखाया, वैसे ही हमारे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस अपने सांसें दांव पर लगाकर हमारी सांसें बचा रहे हैं। मेरा उन सभी को सच्चा नमन। जी।
say good morning together loudly. Good morning, ma'am. First of all, I would like to wish you a happy Christmas filled with love, peace and joy. Okay, the message of Christmas is love, peace and joy. God sent His Son, only Son, into this world when the world was in a confusion. And when He sent His Son into this world, He was conceived in the womb of a girl called Mary. And at that time, to accept a girl to be pregnant was a difficult task. And today also it is a difficult task. Nobody accepts you in a family, neither in the society. At this rate, by the power of the Holy Spirit, Jesus was conceived in the womb of Mary. Second thing, another case, when Jesus was born, at the birth of Jesus, you have maybe heard in the stories that they had to go from one place to the other, and to give the birth to Jesus, Mary and Joseph had no place. At last, He was born in a stable at Bethlehem. The third case, you can see that after His birth, announcement is done today. In today's case, the announcement is done on the television, radio, okay, on media. The announcement is the new child is born or something. Na? Congrats, we put everywhere. But no announcement, but the announcement was done by the shepherd, angel, and the stars. That's why you can see, na? Whenever we make a creep, there is a shepherd, there is an angel, there is a star. The announcement was done by the people that a great king was born in Bethlehem. So, after the announcement was done, to follow the star, the three kings came to see Jesus. And Jesus' life went on. One message I want to give you, I'm not giving a long message, but I'm giving you, now we are also in a chaos. We are in also confusion. We are not also free. Chaos means that there was a difficulty. Now we are having difficulty of what? Which difficulty we are having? Corona. COVID-19 difficulty. We can't go out. We are not free. This year Christmas is 50 or 25% or 0%. So we are not enjoying that what is called as ambient today. So let's pray this Christmas or coming new year to God that to wash away the COVID-19 and shower us the blessings of peace, joy and love back again. Once again, I wish you all a happy Christmas. God bless you.
चले जाने